हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कमेंट बेस है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके कि हमने वो सारा प्रोसेस कर दिया है जो कि आपने बताया था। शुरू से शुरू करते हैं। 5 से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास भी इस तरह की मेल आई है जिसपे लिखा हुआ है क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट। मेरे पास भी आई थी, आप सबके पास आई होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हुआ है भैया साइबर अटैक, कोई आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है। और मेरे हिसाब भी से यही हुआ था। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया था कि भाई आप कैसे अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। सारा पूरा पूरा फॉर्मेट जो था मैंने आपको बता दिया था। और आई होप बहुत से लोगों ने आपने वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर वीडियो दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था वो आपने कर लिया होगा। लेकिन लेकिन उस प्रोसीजर को करने के बाद भी आपके अकाउंट से वो एरर है वो हट नहीं रही थी। तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं उसके आगे की इन्फॉर्मेशन आपको दूं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने सेम यही कमेंट दिया है कि हमारी एरर नहीं हट रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ भैया, आप जब वो सारा प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, पूरा प्रोसेस करने के कम भी 7 to 15 days लगते हैं उस एरर को हटने में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको सेम वही अकाउंट डेमो TSK 6 Pro मैं 5 से 6 महीने बाद आपको बता देता हूँ कि वो अकाउंट मेरे पास है अभी भी और वहाँ से वो एरर हट चुकी है। तो जैसे कि आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने गूगल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जीमेल ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल आइकन है ऊपर, यहाँ पे एन लिखा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पे देख लीजिए डेमो TSK 6 Pro ये वही अकाउंट है जिस पे हमारा एरर आई थी। अब मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर और देखिए यहाँ से वो एरर हट चुकी है। तो मैंने भी वही प्रॉब्लम फेस की थी, मेरा भी हाथों हाथ नहीं कटा था, मैंने भी काफ़ी ट्राई किया तो 7 to 15 days के अंदर अपने आप को जो एरर है वो हट गई है। हाँ, 7 to 15 days के बाद भी अगर एरर नहीं हटती है तो वहाँ पे आपको वो जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया था वो आपको दोबारा से उसको रिपीट करना होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है आपको पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो देखने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा फेयर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं इसको सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन ऑन नोटिफिकेशन करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।